Yes, from students, today that is the last type of our exercise 1.3, fifth type. Regarding this type, there are two questions in your exercise and one is as an example. So in this type, there are the four linear equations in the product form. So we have to make the quadratic, it's exponent 4, but we have to make the two quadratic equations. And how to make two quadratic equations, we have to care about one thing before making the two quadratic equations. Check its constant number 1, 3, minus 5, minus 7. You have to rearrange in such a way that when we add the terms, then answer will be remain same, like that. For example, here 1 plus 3, 4, jo is waqt ordered pair diya hua hai. Here minus 7, minus 5, minus 12. माइनस फाइव और माइनस सेवन क्या आ रहा है? माइनस ट्वेल्व. मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके आपको दिखा देता हूँ, बाद में इस प्रोसीजर को हम सोल्यूशन सेट कैसे बना सकते हैं. तो हमें माइनस ये वन प्लस थ्री माइनस फाइव एंड माइनस सेवन को इस तरह से रीअरेंज करना है कि आंसर सेम आए. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूज करता हूं, इफ आई वॉन्ट टू यूज दैट वन, these two terms, तो 1 minus 5 I will get answer is equal to minus 4, while plus 3 and minus 7, then what's answer? minus 4, same है कि नहीं है? इस तरह से रीअरेंज करना है कि जब आप उसको सिंप्लीफाई करें इन दो पेयर्स को तो आंसर सेम आए. So rearrange like that, 1 and minus 5, it means that these two numbers combine. Rearrange in such a way, x plus 1 into x minus 5, एक पेयर ये होगी सेटिंग. आफ्टर दैट 3 माइनस 7, (192) will remain same. There is no change in there. Right? Now, we have to multiply these two terms and these two terms. And we will multiply x into x. X square. In dono ka sum le le aap. Minus 5 plus 1 minus 4. So you can write it here minus 4x. That multiplication, that is the formula. A plus b into x. Minus 1 into 5, that is minus 5. फिर आपको मैं बताऊंगा ये करने का मैं फायदा क्या हुआ है. Here x into x, x square 3 minus 7 minus 4x लिख दें and minus 3 7s are और 21 plus minus minus 7 3s are 21 equal to 192 will remain same. Is it clear? इस अरेंजमेंट का जो हमें बेनिफिट हुआ है वो ये हुआ है बेटा कि पहली दो टर्म सेम आ गई, अदरवाइज नहीं आ रही थी. हाउ? चेक x into x, x square 3 ones are 3, तो आपके पास ऐड करें 3 plus 1 4x बनता है, इधर minus 12x आता है, तो ये टर्म सेम नहीं बनती थी. इस तरह से करने से हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म्स आर रिमेनिंग सेम, तो इसी को हमने लेट करना है और लेट करके आगे चलना है. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई? वन. नाउ लेट यही लिख दें, चलो यही लिख देते हैं. लेट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास हो गई 2. अब 2 को जब 1 में पुट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स रिप्लेस बाय वाई. गुड. सो वाई माइनस फाइव इंटू बट से वाई माइनस 21. गुड. इक्वल टू 192. ओके. नाउ वी विल मेक द क्वाड्रेटिक मीन मल्टीप्लीकेशन अगेन. वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस फाइव एंड माइनस 21 माइनस 26 एड कर लो सिंपल, और साथ y वेरिएबल्स माइनस माइनस प्लस 21 इंटू फाइव. 21 इंटू फाइव हमारे पास क्या आ जाएगा?
105, ओके, एंड माइनस 192 को शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड में, इट विल बिकम माइनस 192 इक्वल टू जीरो, करेक्ट. व्हाट्स रिमेनिंग हियर, वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई एंड माइनस 192 माइनस 105, बट वी विल गेट द आंसर 87. गुड. You have to find the factors whose product is equal to minus 87 and subtraction करने पे, क्योंकि negative sign आया हुआ है, subtract करने पे minus 26. एक बात हमें यहाँ से clear हो जाती है कि जब 26 subtract करने पे तो एक factor तो आपके पास 26 से above होगा. एक factor क्या होगा, 26 से above होगा. जब 26 से above होगा एक factor, so 28 को 2 से करें 56, 29 minus 3. 29 माइनस 3 क्या आता है हमारे पास आंसर 26, और 29 इंटू 3 जब करेंगे तो 87. अगर इसका कोफिशियंट y स्क्वायर का 1 है, x स्क्वायर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्योंकि हमें फैक्टर मिले क्या बेटा माइनस है, तो यहां भी माइनस है, माइनस 29 इंटू पॉजिटिव 3 और माइनस 29 प्लस 3, तो हमारे पास is equal to, ये minus 87 आता है और यहां से is equal to minus 26 आता है. It means that हमारे पास ये rough procedure बना रहे हैं, जो बना रहे हैं, ये condition satisfy होती है. तो factors को direct लिख सकते हैं when their coefficient is equal to y square is equal to 1. So one coefficient will become y minus 29 equal to 0. Second is y plus 3 equal to 0. आप इसको जैसे सेंट्रल टर्म को वो सेपरेट करके करते हैं, आप उसे करके देखेंगे वैसे ही आपके पास आंसर सेम आएगा. टू टर्म्स इक्वल टू 0. सो व्हाट वी विल राइट दैट, y माइनस 29 इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इक्वल टू 0. गुड. नाउ द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम योर साइड. Good. We have to shift the y into x term. From where? From equation 2. So, put the value of y from equation 2. Y from equation 2. तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो टर्म्स बनेंगी. वन टर्म y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29, गुड, इक्वल टू 0. एंड सेकंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन में तो क्लियर नजर आ रहा है 29 इज अ प्राइम नंबर, जब प्राइम नंबर है तो उसको कोई फैक्टर हमें मिलेगा नहीं, डेफिनेटली देन यू हैव टू यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए यू हैव टू यूज दैट a इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू माइनस 29 एंड c इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड c इज इक्वल टू, सॉरी b इज इक्वल टू माइनस 29, सही था क्या, गलत है, ओके, b is equal to what is that, minus 4, good, and c is equal to minus 29. Now shifting this question here, ye use the quadratic formula bhi likh deta hu, after that your work, x is equal to plus minus, okay, pehle minus b hai, okay, good, minus b plus minus b square, square root b square minus 4ac over 2a. उसके फैक्टर में डायरेक्ट मिलते हैं, ये तो फार्मूला आप लगाएंगे, फार्मूला लगाने के बाद आपने इसका आंसर निकालना है, जबकि इसके फैक्टर में डायरेक्ट मिल जाते हैं, वो जिसके डायरेक्ट मिल जाते हैं उसको मैं सॉल्व कर देता हूं. दिस इज योर असाइनमेंट दैट यू हैव टू डू दिस वर्क. अब इसके जिसके फैक्टर डायरेक्ट मिल रहे हैं उसे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. सो फर्स्ट एंड लास्ट इन मल्टीप्लाई, सो व्हाट्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव 3 और सम हमारे पास क्या आ जाएगा, सम इज इक्वल टू माइनस 4. तो फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे,
थ्री वंस आर थ्री, तो आपके पास दोनों के साथ साइन क्या लगेगा? माइनस का, क्योंकि बेटा यहां से देखिए माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, वी विल गेट दिस रिजल्ट, और माइनस थ्री माइनस वन देन वी विल गेट द आंसर दिस. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आपके पास कोफिशिएंट इसका वन है सो यू कैन राइट डायरेक्टली द फैक्टर्स x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. सो हेयर x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और x माइनस वन इक्वल टू जीरो. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा आंसर? यहां से हमें आंसर मिल जाएगा, एक मिल जाएगा थ्री और दूसरा आंसर क्या मिल जाएगा? वन. दैट्स गुड. ये तो मैंने यहां पे कर दिया खत्म कि इसका आंसर एक थ्री आ गया और एक वन आ गया. लेकिन ये आपके पास एक पेयर है, दूसरा इसकी वैल्यू निकालने के बाद सॉल्यूशन सेट में चार आंसर आपने लिखने हैं, बिकॉज हियर एक्स एक्सपोनेंट फोर, वन टू थ्री एंड फोर. तो इसका एक्सपोनेंट क्या है? फोर है, तो इसके चार आंसर निकलेंगे, फोर आंसर, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फोर आंसर. तो अभी मैंने आपके पास इसको सॉल्व कर दी है बट इट्स इनकम्प्लीट. सो यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला and find out the answer. What's the answer? Meanwhile, I will also use with the help of computer, then what we will get the answer, okay? ओके सर, थ्री एंड वन तो हमने इसका आंसर निकाल लिया. अब आपके पास इस कैलकुलेटर का फंक्शन आपको बताता है हाउ टू यूज दिस कैलकुलेटर देन गेट द रिमेनिंग वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड चेक दैट यू आर राइट आर रॉन्ग. लाइक फर्स्ट यू प्रेस द बटन ऑफ मोड, देन इक्वेशन आपको कहां नजर आ रहा है? फाइव नंबर पे, देन प्रेस फाइव. ओके, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थ्री, सो प्रेस थ्री. ओके, when I press 3, so A, what is the value of A? We will find out in this one. A is equal to 1, so press 1, like here. Press 1, then equal sign, it's like that. Okay, then the value of B, what is that? Minus 4, then we will press minus and 4, then equal sign. Okay, equal sign. After that, value of C is equal to minus 29. So, minus 29, then again equal sign. So you have to put the value, you can check that one here. The value of A is equal to 1, B is equal to minus 4, C is equal to minus 29. So when I will press the equal sign, then I will get the answer. So you can check that. What is here? 2 plus 33 root. One root is the value of the positive and the second is negative 2 minus 33 root. In this way, you can check that your answer is correct or wrong. So here, you will put that 2, I will write the same, plus minus 33 root. Correct? And this function, I will also show you that it's right or wrong. So what is the value of here? Again, we will go there. So what is the value of here? A. The value of A is equal to in the second part, A is equal to 1. That's, I press 1. Okay. Then the value of B, what's here? Value of B is equal to minus 4. Okay. Minus 4. And what is the value of C? That is equal to 3. So I press 3. You can see it here. A is equal to 1, B is equal to minus 4, and C is equal to 3. So when I press 3, this. Okay, now when I will press that equal sign, then I will get the answer. One value, x1 is equal to 3, and the second value is equal to 1. So what we will find out? 3 and 1. So total answer are 4. So in such a way, we will get the answer by using of this calculator. I also explained that how to solve this calculator. And with the help of this calculator, then I will give you one trick. Then you will find out the answer, how to write the answer here also. Okay? After that, our exercise 1.3 is finished. And you will give me the test of 1.3 exercise. Inshallah. Next day or when? Okay, let's discuss. Okay? Take care. Thank you. And Allah Hafiz.